दोनों पार्टी के बीच में गोतियाँ हैं, झगड़ा उगड़ा हुआ, माइनर इंजरी हुआ, दोनों पार्टी हॉस्पिटल में पहुंचे ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई। हॉस्पिटल में भी मारपीट हो गई जी, अभी तक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी। इस एंगल से केस कैसे इन्वेस्टिगेट होगा? हो गया है इन्वेस्टिगेट, कैसे होगा? हम जो कहना चाह रहे हैं हुजूर, पहले पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने सर? क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहती कि दे दो जो लिख करके देना है। मतलब डेथ इज हार्ट अटैक? आई डोंट नो, हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है। नहीं, इसमें आया हुआ है कोई भी मरता है हार्ट अटैक से होता है। वो वायलेंस नहीं है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो। हम पढ़ दे रहे हैं हुजूर, हम पढ़ दे रहे हैं, हम वो भी वो जो फ्यू लाइन पढ़ दे रहे हैं, फ्यू लाइन नहीं, जस्ट हम पूरा पढ़ दे रहे हैं वो। डोंट वरी, वी आर नॉट इन हरी। नहीं नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यस मिस्टर झा, बोलिए। आई हैव गॉन थ्रू द फ्यू लाइन पैराग्राफ ऑफ द कॉन्टेड एफिडेविट। हुजूर ये कहते हैं कि जो इनके फर्द बयान से है डीएसपी से, आप कहते हैं कि कोई ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता। पहले तो प्रेयर आप क्या लिखे हैं सो पढ़िए। अगर इस तरह से हाई कोर्ट में पिटीशन आप फाइल करेंगे तो आपकी मार्किंग बहुत पुअर हो जाएगी। मार्किंग जो होता है लॉयर का, उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं किया। क्या लिखा है आपने? फर्स्ट प्रेयर पढ़िए ना। What is your prayer? टाइपिंग मिस्टेक जो है उसको नहीं देखेगा जी। प्रॉपर एंड फायर इन्वेस्टिगेशन जी। चलिए हुजूर, नेक्स्ट ऑन अर्लियर ओकेजन हुजूर सुना गया था, हमने पेज नंबर 25 पे हुजूर का ड्रॉ अटेंशन किया था कि मेरे हस्बैंड के द्वारा एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में मारपीट का एक एफआईआर दर्ज कराई जाती ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगेन दिस एक्यूज पर्सन हैज असोल्टेड इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेज टू द डिसीज और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इनका डेथ हो जाता है। अगेन द फर्द बयान ऑफ द वाइफ। What happened, Mr. Deepak? जी कहले उसके बाद हुजूर को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हम भी बहुत पेंड थे जब देखे थे, तो इट वाज मी हु फर्स्ट पॉइंटेड आउट कि इसमें गड़बड़ है कुछ। इट वाज मी व्हाइल द केस वाज टेकन अप, आई पॉइंटेड आउट दैट कुछ गड़बड़ है। और उससे पहले सिलसिलेवार ढंग से बता दे कि डेट ऑफ अकरेंस है 11/4। यस, 11/4 को अकरेंस हुआ, दोनों पार्टी के बीच में गोतियाँ हैं, झगड़ा उगड़ा हुआ, माइनर इंजरी हुआ, दोनों पार्टी हॉस्पिटल में पहुंचे ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई। हॉस्पिटल में भी मारपीट हो गई जी, अभी तक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपस में लड़े, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई। नेक्स्ट डे उन लोग ट्रीटमेंट करा के वापस आ गए, हस्बैंड जो हैं पिटिशनर के नेक्स्ट डे जाके थाना में एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए। उसके बाद जब वापस आ गए वो घर में 12 दिन तक रहे, उसके बाद अचानक उनके चेस्ट में पेन हुआ, ही वेंट टू हॉस्पिटल, वहां से उनको रेफर कर दिया गया छपरा, छपरा में उनका डेथ हो गया। जब डेथ हो गया द मैटर दिस वाज इन्फॉर्म टू द कि उसमें जो इन्फॉर्मेंट थे उनका डेथ हो गया है। पुलिस ऑफिसर एक गए वहाँ छपरा में सदर हॉस्पिटल में, वहाँ ही रिकॉर्डेड द फर्द बयान। वो फर्द बयान को जो हम पढ़े थे, हमको लगा था उस दिन भी कि सो अकरेंस जो है वो 23 का है, लेकिन उस फर्द बयान में वो पहले कहीं घटने को नरेट की थी, 23 का कोई अकरेंस हुआ ही नहीं था। जब हम स्पेसिफिकली चेक करवाएं इसमें सीसीटीवी पर ओनली वन अकरेंस 11th का, और डिसीज्ड का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, उनका विसरा का एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आ गया है, डॉक्टर का ओपिनियन भी आ गया है कॉज ऑफ डेथ का। आईओ को बुलाया गया था और उसमें एसएचओ को बुलाया गया था,
उसमें जो SHO थे वो तो सस्पेंड हैं, अभी जो IO हैं ये नो अकरेंस हैड टेकन प्लेस ऑन 23rd अकरेंस 11 का ही है जिस पर 12 को FIR लॉज हुआ है। दो अकरेंस होता है हुजूर, एक घर पे हमको बोल देने दीजिए, इसलिए चुप थे, बोल देने दीजिए हमको, 11 को एक अकरेंस होता है उनके घर पे, दूसरा अकरेंस होता है दोनों पार्टी ट्रीटमेंट कराने पहुंचा हॉस्पिटल में, वहां 11 को दोनों अकरेंस हुआ, 12 को FIR रजिस्टर करते हैं हस्बैंड ऑफ द पिटिशनर। 12 वाला FIR कहां है? 12 वाला FIR है पेज नंबर हुजूर को 23rd पे मिले, 23 पे। यस नहीं, देखिए पैराग्राफ 26 पेज 26 पर जी, हम आ रहे हैं हुजूर, उस पे आ जाएंगे हम, वही देखे थे सबसे पहले, हम वही 13/4/2022 को मकेर पीएस केस नंबर 65/2022 वाज लॉस्ट जी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द हस्बैंड जी। नाउ देयर आफ्टर दिस पिटिशनर सबमिटेड हर फर्द बयान जी इन विच शी हैज स्टेटेड अबाउट द अकरेंस सेम 11 की अकरेंस का, नो सी स्टेट्स अबाउट अनदर अकरेंस आल्सो, नो सेकंड अकरेंस का कर रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं, हम पढ़ दे रहे हैं हुजूर, हम पढ़ दे रहे हैं, हम वो भी हुजूर फ्यू लाइन पढ़ दे रहे हैं, फ्यू लाइन नहीं जस्ट हम पूरा पढ़ दे रहे हैं, वो डोंट वरी वी आर नॉट इन हरी, नहीं नहीं हुजूर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम वो पूरा पढ़ दे रहे हैं। इनका ये FIR कहाँ है? 65/22 यही तो हुजूर पेज नंबर, ये पेज नंबर 21 से स्टार्ट होता है, 23 हुजूर का रिटर्न रिटर्न रिपोर्ट था हस्बैंड का। है जी स्टेटेड अबाउट दैट कि हॉस्पिटल में जो हुआ जी हुजूर पेज नंबर 25 पे नीचे से लास्ट लाइन 25 पर तो पिटिशनर लिख रही है ना, हां उनका फर्द बयान है 23/24 में जो डिसीज का है वो नहीं कर रहे, नहीं लिखा हुआ है, वो डिसीज का नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, जस्ट मिनट साइमल्टेनियसली डिसीज वाला में नहीं लिखा, डिसीज में नहीं लिखा है, नहीं लिखा, सो this petitioner has given her hearth bayan in which she has given a different case that her husband was assaulted ji hum isko in the hospital also on when he was taking treatment ek baar hum pura padh dete hain huzur hum ek cheez huzur ke pehle notice mein hum ye nahi kar rahe hum ek cheez huzur ke notice mein pehle la de is angle se case kaise investigate hoga ho gaya hai investigate kaise hoga हम जो कहना चाह रहे हैं हुजूर पहले कि ये जो FIR रजिस्टर्ड हुआ है हस्बैंड पिटिशनर के हस्बैंड के रिटर्न रिपोर्ट पे दिस FIR वाज रजिस्टर्ड आफ्टर दैट अकरेंस जिसमें कि इनके घर पे मारपीट हुई थी, देयर आफ्टर ही वेंट टू द हॉस्पिटल, वहां पर दोनों तरफ के इंजर्ड लोग पहुंचे थे, वहां पर आपस में फिर भिड़ गए, डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया, इनका ट्रीटमेंट किया, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है, नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव दिस रिटन रिपोर्ट, ऑन दैट बेसिस दिस FIR वाज लॉज। अब उसके बाद वो घर चले आए, 12 दिन के बाद उनके चेस्ट में पेन हुआ, ही वाज टेकन टू द, ये तो आप कह रहे हैं ना अभी इन्वेस्टिगेशन करके जी, हर केस इज दैट व्हेन ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, देयर द अक्यूज्ड पर्सन केम एंड दे असॉल्टेड हिम एंड मारपीट किए, वहां से मैं अपने पति को रेफर करा करके और सदर हॉस्पिटल छपरा लेकर चले, ये सेम डेटा है, दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th, दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th, नथिंग हैड हैपेंड ऑन 23rd।
ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है दिस इज फॉर द अक्रेंस ऑफ 11th, क्योंकि 23rd को छपरा हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। आइए आइए सर। उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए, तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था और हॉस्पिटल में जो मारपीट की घटना, पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी। मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कॉम्प्लेंट हस्बैंड ने दिया पिटिशनर के हस्बैंड ने, पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है जो उसके घर पर अकरेंस हुई उस अकरेंस के विषय में लिखा, ही हैज नॉट स्टेटेड अबाउट द अकरेंस विच टू प्लेस इन द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ, तो फिर वहाँ पर ये सब लोग जो है पहुँच करके और मारपीट किए, ये लिख रही हैं। तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी उक्त सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए, तो इस सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच सी इज इंडिकेटिंग इन हर फर्द बयान। तो ये अगर आप FIR नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहाँ मारपीट किए थे। फर्द बयान के बाद हॉस्पिटल पे CCTV लगा हुआ था, वहाँ पे जांच किया गया, ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो, स्पष्ट तो बाद में होगा, इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR। पहले FIR लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन करके फिर है ठीक है आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए, बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा दैट एनी असॉल्ट हैड टेकन प्लेस देयर, दैट इज नॉट हर केस इन हिज केस इन द फर्स्ट FIR। इन द फर्स्ट FIR stated anything about in the first FIR he has not stated about the occurrence which took place in the prathamik swasth kendra। to jahan second place of occurrence ki baat us case ka jab trial chalega to ye aayega na ki sahab fard bayan mein to aisa kahin usne nahi likha hai apne written complaint mein, to aap kahan se ye case improve kar gaye, tab hoga ki sahab to statement jo diya uski wife ne वो इम्प्रूव कर गए। इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे FIR लॉज कर करके दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा, बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया, अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में, बट वो था टू डिफरेंट अकरेंसेज टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस। डेट ऑन 11/4 दो टाइम अलग अलग टाइम, टाइम बस डेढ़ घंटे का डिफरेंस है, डेढ़ घंटे का भी डिफरेंस है, है दो अकरेंस है, अकरेंस दो अकरेंस है। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ ड्यू टू दैट ही डाइट, तो हम नहीं तो, वो कैसे मरा पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, लगा कि कम्प्लीटली, लेकिन ये केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तब, वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन अपने फर्द बयान में, बिकॉज रिटन है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी, बोली तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संगीता गिरी अपने फर्द बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी, उनका स्टेटमेंट जो संगीता गिरी का, उनका जो ये रिटन स्टेटमेंट है, रिटन फर्द बयान, ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटन है तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है संगीता गिरी इज ए विटनेस
इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं? नो सर। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? देखिए निकालिए किताब, वहां है ना सामने 161। निकालिए सेक्शन 162, जरा पढ़िए 62। यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की। स्टेटमेंट टू पुलिस नोट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, नंबर वन, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर सेल इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइंड बाय पर्सन मेकिंग इट, नोट टू सेल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ whether in a police diary or otherwise or any part of such assessment or record. नहीं होगा ना? नहीं। ये writing कोई भी witness को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो, तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके, तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से। इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने? Sure. क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता अगर वो आपको दे दिया गया रहता, तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहते कि दे दो जो लिख करके देना है। तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी because it is in writing and signed by Sangeeta Giri, तो उसका तो केस ही समाप्त हो गया ना, कि सेकेंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। बोलिए अब आप। This is what I understand. I got impression your lordship by the bare reading of the second the fourth bayan of petitioner. नहीं, व्हाट इज योर इंप्रेशन नाउ आफ्टर दिस मच डिस्कशन? नो लॉर्डशिप, सर्टेनली द सेकंड एफआईआर शुड हैव बीन लॉज्ड, द सेकंड एफआईआर शुड हैव बीन लॉज्ड, बट इनिशियली आई गॉट इंप्रेशन दैट इट वाज आफ्टर फर्स्ट एफआईआर व्हेन द डिसीज वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल वेयर ही वाज असॉल्टेड ऑन 23rd। दैट इज नॉट द केस। दैट इज नॉट द केस। जी जी, it should have been second FIR for the occurrence at that. But a specific case is that when he was taking treatment in the Prathmik Swasthya Kendra, there he was again assaulted. And this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11th. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है। Investigation में आएगा ना? जी जी। इसीलिए तो कहा कि investigation में आएगा जो भी आना होगा। जी जी जी। Both the cases may be clubbed. जी जी. Later on. Sir. इसका अलग से investigation. It's found that both the cases may be clubbed. Same transaction अगर पाया जाएगा कि नहीं, same transaction में हुआ है, वो भी transaction अगर same रहेगा, then cases may be clubbed. तो आप इसको investigate कीजिए FIR register करके. FIR register करके investigate. Yes. And what is the stage of investigation of this Makher PS case number 65 of 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें सर अभी तक का सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है। विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर, डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका स्टेटमेंट हुआ है। सर विश्रा को प्रिजर्व किया गया था मुजफ्फरपुर से जांच रिपोर्ट के लिए। विश्रा रिपोर्ट नहीं आया अभी तक? आ गया। विश्रा रिपोर्ट आ गया सर, डॉक्टर का वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रोक के वो भी प्राप्त हुआ। कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक।
आई डोंट नो, हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है, नहीं इसमें आया हुआ है, कोई भी मरता है हार्ट अटैक भी होता है, वो वायलेंस नहीं है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो, सडन कार्डियक, व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन, द वर्ड यूज्ड इज कॉज ऑफ डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट में हैपन फॉर मेनी रीजंस, और वेदर द इमीडिएट कॉज ऑफ दैट वाज द इंजरी सफर्ड बाय हिम एंड और बिकॉज ऑफ द शॉक, इट हैज आल्सो कम इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन that the deceased was suffering from heart ailment, he was being treated properly for that. Oh, I am not going into all those things. Jo aaya hai jo that is not the stage of this case. The High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. Second FIR register karke usko investigate karke. Yes, likhiye. Third Land Counsel for the petitioner and Mr. Deepak Kumar, learned AC 2 GP4. Police stop. What's your name? Rajesh Kumar Ranjan. Mr. Rajesh Kumar. Sir, Rajesh Kumar. Rajesh Kumar Ranjan. Mr. Rajesh Kumar Ranjan, SHO of Makher Police Station. As well as IU of this case. As well as IU of this case, is present in person. Police stop. Next, in course of hearing, Land Council for the state as well as the SHO. Has agreed that the fourth bayan of the petitioner was required to be registered as FIR separately because it is giving information with regard to the second occurrence which allegedly took place in the primary health center. Yes. Full stop. This occurrence is not reported in the first FIR lost by the husband of the petitioner within brackets is deceased. Full stop. This court has, thus been given to understand that the fourth bayan of the petitioner shall be registered as FIR immediately and the same shall also be investigated. And the allegations made therein shall be investigated. Full stop. Next, in case it is further submitted that in case it is found that both the cases are required to be amalgamated, comma, the same may be prayed for after seeking appropriate instruction from the supervising authorities. Full stop. Next. As regards the investigation of Makher PS case number 65 of 2022, MIT stated that the statement of the witnesses have been recorded, comma, Visra report has been received, Visra report and the postmortem reports have been received, and the same is likely to be concluded very soon. Please stop. Next, in the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the SHO, investigating officer of the case, to take immediate steps to lodge the FIR on the basis of the first bayan of the petitioner and investigate the same from the keeping in view the allegations mentioned therein and submit a report in the learned court below within a reasonable period. Full stop. If both the FIRs
may be amalgamated in accordance with law, comma, a prayer to that effect may be made in the learned court below. Full stop. This application stands disposed of perpetually. Much good. Like in the meantime, some protection may be provided because the accused person has always threatened to withdraw the money. Yeah, inko threat hai wahan. Ji ho. Sir, aisa to suggest. Dekh lijiye, likhiye. Learned counsel for the petitioner has submitted that otherwise also seize a witness in the case. इनको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में तो आप दीजिए इसी केस में रिपोर्ट आया है रजिस्ट्रार जनरल तो दिस रिट एप्लीकेशन इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ विद द डायरेक्शन टू द एसएसओ कम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस टू टेक इमीडिएट एनी लास्ट लाइन में भी लर्निंग काउंसिल फॉर द पर्सन हैज सबमिटेड दैट has submitted that the petitioner is receiving regular threats to her life and she requires protection from police stop. Even otherwise she is a witness to the case and as such her security must be a concern for the state. नेक्स्ट डे आप इनको देख लीजिए इनको थोड़ा प्रोटेक्शन वहां दीजिए कोई तरह की बात कोलकाता सर कोलकाता में रहती है सर संगीता जी से भागे हुए हैं कोलकाता ये कहां रहती हैं कोलकाता में अभी जस्ट गए हैं गांव आएंगे ना केस जब मकेर में है ऐसे नॉर्मल कोलकाता में रहती है कोलकाता में रह रही है सर तो जब गांव आएंगे तो इनको आप प्रोटेक्शन दीजिएगा ना कोई दिक्कत नहीं लिखिए द एसएचओ हैज इन्फॉर्म दिस कोर्ट That the petitioner हमेशा गांव में रहते हैं हुजूर इनका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है हमेशा गांव में रहते हैं residing at Kolkata but in case she will be at her village comma adequate police protection shall be provided to police stop this court is recording it as an undertaking from the SHO Full stop. It will be his responsibility to ensure that the petitioner remains fully protected during her stay in her village, and she may participate in course of trial of these cases, so that she may participate in course of trial of these cases. Without any fear. Full stop. This application stands disposed of. Upar mein ek line de dijiyega. Received the report from the learned judicial magistrate. Peruse the report of the learned judicial magistrate as contained in letter number 289 of 2022, dated 9/12/2022. Bas. Thank you.